इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा पॉक्सो अधिनियम है। पॉक्सो अधिनियम में क्या है, समय के अनुरूप बदलाव की जरूरत है हमें, यानी समय के अनुसार हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो पॉक्सो अधिनियम जो है वो बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे देश में अगर हम बात करें यौन सहमति की जो उम्र है वो 18 वर्ष हमारे देश में मानी गई है। अब ये जो 18 वर्ष यौन सहमति की जो उम्र है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर किसी की उम्र है तो यौन सहमति की अनुमति वो दे सकता है, लेकिन वास्तविकता में होने वाली घटनाओं को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने विधि आयोग से इस पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है। तो किसने पुनर्विचार करने की सिफारिश की है, कर्नाटक में उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ है, उन्होंने विधि आयोग से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है। न्यायाधीश का कहना है कि उनके सामने ऐसे बहुत से मामले आते हैं जिनमें 16 से 18 वर्ष के बीच की युवतियां प्रेम के फेर में लड़के के साथ भाग जाती हैं और सहमति से यौन संबंध बना लेती हैं। चूँकि देश का पॉक्सो अधिनियम, या फिर हम कह सकते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2022, सहमति की जो उम्र है वो 18 वर्ष है जो पहले 16 वर्ष थी, तो ये मानता है, यानी कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये अभी मानता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी मेंबर हैं, जो भी युवक युवतियां हैं, वो यहाँ पर यौन संबंध की सहमति नहीं दे सकते। लेकिन पहले ये उम्र जो थी वो 16 वर्ष थी, इसलिए ऐसे प्रेम के मामलों में इस अधिनियम के तहत दर्ज कर लिए जाते हैं और कानूनी रूप से यौन दुष्कृत की बिजली अक्सर लड़के पर ही गिरती है। अगर युवक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है तो उसके भविष्य के लिए वो घातक बन जाता है। वही युवती को सरकारी संस्थान में यहाँ पर भेजा जाता है। तो ऐसे में कोई दोराय नहीं है कि बच्चों को यौन शोषण से रक्षा की जानी चाहिए, इस हेतु कानून भी बनाया जाना चाहिए और कानून भी बनाया गया है। और किशोर आकर्षण की जो वर्तमान वास्तविकता को देखते हुए जे एस वर्मा समिति ने सहमति की उम्र को घटाकर 16 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है, और इसे देखते हुए पॉक्सो एक्ट में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। साथ ही कानून की जानकारी नाबालिग हैं, जो 18 वर्ष से कम के हैं या 16 वर्ष से कम के हैं, नाबालिग हैं, वहां तक कानून की जानकारी पहुंचाने का प्रयास हमें किया जाना चाहिए। और इसका दामोदार है विधि आयोग पर है, वह बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम में क्या बदलाव करता है, ये पूरा जो निर्णय है वो डिपेंड करता है विधि आयोग इसके बारे में क्या निर्णय लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।